करो पीर बजरंगी कुल भैया तो कितनी पैर ढूंढ रहा है इधर देखो एक बड़ा भाई है आगे हाय बोल दो हाय महादेव हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आज से हम लोग डे फोर शुरू भइ सकेको छ भिडियो गर्नलाई नि गाह्रो यार कहाँ गयो त केटाहरू खोइ खोइ चिकन लाग्यो चिकन ला तैले यार चाय पिइरहेको आपसे बोला ना हम लोग चाय पियेंगे धक्का मत दो भाई धक्का मत दो धक्का मार रहा है भाई यार कौन धक्का मार रहा वो आदमी चला गया आगे घोड़ा नहीं चाहिए भाई घोड़ा नहीं चाहिए ये क्यों बाटो ये हो ये के चढ़ाई हो बाटो ये भाई तो राम मूल्य अर्को भयो त बर्बाद हुन्छ त यार अन्त नि पुरै स्यासा भइसक्यो यार दुई मिनट चढेर यस्तो भइसक्छ नि पुरै स्यासा हुने यार यति चढ्ने बित्तिकै दस मिनट भएको छ हाम्रो हेलो अभी ऊपर 50 का मिलेगा इतना ठंड है कौन पहन नहीं मतलब उससे हल्का फुल्का अगर घुट मारते चलो घुट ऐसे ही भाई आई बोल दो सब लोग एक बार हाय एक पानी सानी किने तेस पे फिर यात्रा सुरू हम है घोड़ा कति देर आया घोड़ा घोडा चाहिँ एकदम बढी चल्ने हामी त घोडै घोडा जता हेर्नु नि मान्छेहरू यार क्यामेरा देख्ने बित्तिकै पुरै हात हल्लाइहाल्ने होइन है रास्ता देखिए हामी थोडा घोडा बढी गुडेर हो क्या माथिसम्म घोडाको पुरै गए गुज यार कैसा फील हो रहा है भाई चढ़ाई चढ़ने के लिए चढ़ाई चढ़ते हुए कैसा फील हो रहा है अच्छा लग रहा है अंदर से कुछ गर्मी गर्मी नहीं फील हो रहा है बहुत गर्मी लग रही है अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है हमारा गोलू भैया किधर चला गया गोलू भैया आगे फिर सोने चला गया क्या नहीं 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 सोएगा रात भर परेशान करके रख दिया यार कभी पैर उसके ऊपर चढ़ा था कभी इसके ऊपर रात भर में देख रहा था गोलू भैया सही आदमी नहीं है गोलू भैया हाँ गोलू भैया पत्नी पीड़ित है क्या गोलू भैया की शादी हो गई है बट उनकी जो वाइफ है उनके साथ रहती नहीं है अच्छा किधर चली गई वो अपने मायके में रहती है गोलू भैया रात भर परेशान करता है तो इसलिए छोड़कर चला गई क्या नहीं चाहिए भाई घोड़ा गोलू भैया हम तुमको कितनी पैर ढूंढ रहा है इधर देखो एक बड़ा भाई है आगे हाय बोल दो हाय अच्छे से हाय बोल दो हाय नाम नहीं पता है चलो गाइस हम लोग केदारनाथ यात्रा चालू शुरू कर दिए हैं शुरू अभी नहीं थोड़े देर आगे शुरू कर दिया है कहाँ अब हम हो गया ना शुरू 5 मिनट तक चल लिए है क्या हमने कितना टाइम हो 5 मिनट हुआ ना निकले हम लोग को हाँ 5 मिनट हो गया है इससे मैं हाय गाइस हाय गाइस
कुछ बोल दो भाई केदारनाथ को। गाइस तो अभी हम लोग फिलहाल चढ़ाई कर दी है इधर, तो अभी आठ से नौ घंटे लग सकते हैं हम लोग को। किधर से जाना है? दो रास्ते इधर, कौन भी रास्ता पकड़ के चले जाना है? दोनों एक किलोमीटर जति चाहिँ हामी माथि आइसकेको जस्तो लागिरहेको मलाई छैन। पुरै वहाँ भित्र पुरै गर्मी भइसक्यो यार। टोपी निकालिदिन्छ यार, लास्ट गर्ने भयो भित्रबाट पुरै पसिना चुहिरहेछ। तिम्रो त पातलो केही भयो न त, पसिना निकालिदिनु, लास्ट गर्मी भइरहेछ। ओए कुकुरले धन्न लडाइदिएन यार, हेर न गणोला का मर्डर हो रहा है इधर, लोग सब इसी के ऊपर चल के जा रहे हैं, हम भी इसी के ऊपर से चल के जा रहे हैं। इतने सानो बच्चे केदारनाथ यात्रा कर रहे हिमेर तीन मुख्य गाड़ो यार, पसिना त्यस्तै आइरहेको। केदारनाथ अझै 14 किलोमिटर टाढा रहेछ, 2 किलोमिटर चढिसक्यो। दुई किलोमिटर अनुमान चढिसक्यो, 14 किलोमिटर लागेछ केदारनाथ। के हाल लाग्यो चैनल का पीएचपी असली है आ रहा है आई फोन दो एक बार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। मस्त काको मुंगुर सानी काको थे ना, पछाडि चाहिँ पुरै नारा लागिरहेको छ है। लास्ट गाह्रो वहाँ कसम उकालो चढ्दा चढ्दा हैरान भइसक्यो। हामी चाहिँ बिहान केही नखाइकन निस्केको थियौँ, त्यहाँनिर एक ठाउँमा रोकेर चाहिँ काँक्रो साग्रो खायौँ, अनि त्यसपछि गएर पानी, त्यही काँक्रो पानी खाएर उकालो चढिरहेको छौँ। हामीलाई चाहिँ भर्खर 2 किलोमिटर चढ्यो, 14 किलोमिटर अझै बाँकी छ। एकछिन रेस्ट गरेर हामी चाहिँ फेरि माथि डाँडातर्फ बढिसकेको छौँ, अगाडितिर केटाहरू पुगिसकेको छ, म चाहिँ बिस्तारी उकालो चढिरहेको छु। अझै बिचबिचमा बजारहरू खानेकुराहरू हेर्नु राख्छ। आनन्द लाग्यो यार एकछिन झर्नामा, माछा आँखा सेक्दाखेरि घोडा आइ क्या हो।
चल भीरतीर पो जान तो घोड़ा पी हो तड़न घोड़ा ते भर हम कति चार किलोमीटर मत चढ़ी सको हाई अगि ते कति देखा थे हे चार सोलह अच बाहर किलोमीटर बाकी यार बाहर घंटा लगना अंदर टोटल दस घंटा लग्स है अच्छा यहाँ रहे ए मेड दे रहे यहाँ कह तीन किलोमीटर देखा रह अच सोलह केदारनाथ 12 किलोमीटर अज उकालो चढ़े बल्ल मंदिर पुग हिड़े भ्लग बना लाज गा होने बोलना अप्ठारो होने लास्ट रोक त ओ किसकर मोबाइल पर तुम्हारे पास मोबाइल है भेजना भेजना हो घर मैं तो के भाज लास घर लगे अब मैगी खाने हमी मं मं सुखी रह पेट पूरे दुखी रह घोड़ा धन्य उठाई दे मेरे में भाकर तो बात निस्किन यार वाइफाई कहानी सर मेरो मलाई सास छैन क्या हो मेरोमा त सास छैन क्या हो हेर निस्किनु तिमी गर्न कति बेर निस्किन्छौ भाइ हाम्रा म्यागी रेडी हो गया बन्द आयो बहुत ठंड है इधर का पानी ये पानी क्या अच्छा है पीने के लिए चट लगाएर हाम्रो म्यागी चाहिँ रेडी हुँदैछ त्यहाँनिर ल्याम ल्याम भन्नुहोस् म्यागी अब तुम्हारे क्या बोल रहे चाव 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 बोलते चाव 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 इसे नानी मैगी है ना इधर भाई चाव सकते हैं दिल्ली में मारेंगे हो जाएगा अच्छा है
साढ़े दस किलोमीटर आते बाकी केदारनाथ अगड़ी मैं देखे यार साढ़े पाँच किलोमीटर तीन घंटा तो बड़ी नहीं भैया है तीन घंटा बड़ी भाला हिड़क साढ़े पाँच किलोमीटर भाई गाइड यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हेलिकप्टर रोक्ने ठाउँ रे माया कसम माथि जानुपर्छ हामी अझै कति 10 किलोमिटर जति त होला सायद सिप्लेलाई राम्रोसँग दुईटा मुन रहेछ त्यहाँ आनन्द लाग्ने कहिले पुग्ने यहाँ त्यहाँ माथि हामी खै अब 8 किलोमिटर लगभग 7.5 किलोमिटर जति होला बाँकी चढ्नुपर्ने अझै बल्ल केदारनाथ पुग्छ हामी कहिले पुग्ने यार फाइट उहाँसँग कहिले पुग्ने पुरै 10 घन्टाको सफर गरेर वीडियो कॉल ऑडियो कॉल बंद केदारनाथ दर्शन गर्नको लागि लाग्यो वहाँबाट त कहाँ हो कहाँ हामी चाहिँ भर्खर दर्शन गरेर निस्क्यौँ होइन भर्खर दर्शन गरेर निस्क्यौँ अगाडि मन्दिर साइडमा पछाडिपट्टि हिमालहरू मान्छे छ हाम्रो केटाहरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो शक्तिशाली शिला होइन ठिक केदारनाथ मन्दिरको ठ्याक्क पछाडि गएको छ ठुलो बाढी आउँदाखेरि यसैले यो मन्दिर बचाएको भनेर ठिक केदारनाथ आज साँझ चाहिँ हामी हिमालसम्म आरती दर्शन गरेर अनि भोलि बिहान टक्क फर्किन्छ भनेको छ होइन जीतू जो कवरदर से आए हैं जीतू जो कवरदर छत्तीसगढ़ से आए हैं हो गया गोलू भैया ये लो तुम्हारा पकड़ बना लो मजबूत पानी नहीं तो पर्द रहे भारती टोपी केदारनाथ चाहिँ नाइटमा यस्तो देखिन्छ खास हामी चाहिँ आरती लिने भनेर आएको आरती चाहिँ देखेन भित्रपट्टि हुने रहेछ आरती चाहिँ यो भ्लग चाहिँ हेरेर हिँड्नु हाल्नुपर्ने हुन्छ
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना।